हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ फिजिक्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर फर्स्ट टर्म का, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि लास्ट हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैं पहले आपको रूट मैप बता देता हूँ। आज के लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, ये जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, उसके बारे में जानेंगे, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम के बारे में जानेंगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते टाइम लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ये हम जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज को बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये हम पढ़ने वाले हैं, क्रिटिकल एंगल पढ़ने वाले हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना ही बुक्स में दिया गया है, अगर कोई अच्छे लेवल की विद्या बुक अगर आप देखेंगे, विद्या की बुक, तो वहां पर क्लास 10 में जरूर समझाया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट और क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, बट आज मैं आपको समझाऊंगा। एस्टन वगैरह में आपको कोई ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, सिलेबस में भी नहीं है ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये आज हम जान लेंगे। दूसरी बात, उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या क्या वजह हो रही है हमारी लाइफ में, क्या क्या इफेक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और रिफ्रैक्शन के, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। देन हम पढ़ेंगे लेंसेस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस तीसरे लेक्चर में, और फोर्थ लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यानी कि एक लेक्चर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से चार लेक्चर इस टॉपिक के बनेंगे आपके, और आज आपका पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मैंने रूट मैप बता दिया चैप्टर का कि कौन कौन से टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं और किस किस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, जब लाइट एक मीडियम के इंटरफेस पर टकराती थी तो उस पर टकरा के वापस एयर से, अगर एयर से लाइट आ रही है, जैसे कि थोड़ा सा समझाना पड़ेगा डायग्राम से, कि मान लीजिए ये गिलास हो गया जो पॉलिश गिलास है, तो गिलास दूसरा मीडियम हो गया, एयर पहला मीडियम हो गया, ये एयर हो गया, तो एयर से लाइट आई और गिलास पे टकराकर वापस एयर में ही आ गई लाइट। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि एयर से लाइट गिलास में, अगर वो ट्रांसपेरेंट गिलास है तो उसके अंदर एंटर कर जाएगी, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा बेंड हो जाती है। अब वो बेंड नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा वो सब बताएंगे। तो अभी हम इतना कह सकते हैं कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट बेंड्स, दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर सपोज कर लीजिए हमारे सामने कोई खिड़की लगी हुई है, कोई विंडो लगा हुआ है, उस पर गिलास का पूरा एक गिलास का पीस लगा हुआ है, तो हमें उस विंडो के बाहर दिखाई दे जाता है आराम से। क्यों? क्योंकि उस गिलास के अंदर लाइट ट्रेवल कर ली है। दीवार के बाहर के आपको कभी दिखाई देता है? दीवार के बाहर कभी आपको दिखाई नहीं देगा अगर कोई वॉल है, बिकॉज वॉल पे से लाइट टकरा के वापस आ जाती है, वॉल के अंदर नहीं जाती। तो आपको उसी चीज के अंदर या उसी चीज के पार दूसरी साइड दिखाई दे सकता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर जाए। तो गिलास में लाइट ट्रेवल करेगी, वाटर में लाइट ट्रेवल कर लेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, उसी के अंदर आपको दिख सकता है। जिसके अंदर लाइट कंप्लीटली ट्रेवल करेगी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जिसके अंदर लाइट कम ट्रेवल करेगी वो होते हैं आपके ट्रांसलूसेंट मटेरियल, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं, कुछ गिलास भी ऐसे आते हैं। तो इसी के बेस पे हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, इंटरफेस वो होता है जहां पे दो मीडियम मिल रहे होते हैं, टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। देखिए ये इंसिडेंट रे आ रही थी, इंसिडेंट रे आ रही थी, ये इंटरफेस था, मान लीजिए ये है एयर और ये है आपका वॉटर। तो जैसे ही लाइट एयर से वॉटर में ट्रेवल करी तो लाइट की असली डायरेक्शन ये वाली थी जो डॉटेड दिखाई गई है, यानी कि लाइट को इधर आना चाहिए था, तो ये इधर से नीचे की तरफ बेंड हो गई, ऊपर की तरफ भी हो सकती थी, वो कब होगी? और पहली बात तो है लाइट बेंड क्यों हो रही है, लाइट बेंड ही क्यों हो रही है, सबसे बड़ा तो सवाल यही है। ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिलहाल आपको रिफ्रैक्शन यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बच्चों, तब वो बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है? क्योंकि एयर की डेंसिटी कुछ और है, बोले डेंसिटी की वजह से क्यों होती है, एयर की डेंसिटी अलग है और वॉटर की डेंसिटी अलग है। आई होप डेंसिटी आप समझते होंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कि भाई कितने वॉल्यूम में किसी चीज का कितना मास कंटेंड है।
उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी जिस जो चीज जितनी भारी होगी, ठीक है ना। जैसे कॉटन ले लें, इतना वॉल्यूम ले लें, इतना बड़ा डब्बा ले लें, ये इतना बड़ा डब्बा ले लें, इसमें पानी भर दें, इतने बड़े डब्बे में हम भर दें आयरन, इतने बड़े डब्बे में हम भर दें कॉटन, तो सबका अलग अलग मास आएगा। वॉल्यूम बराबर है लेकिन अलग अलग मास आएगा, तो जिसका ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ये बात सही है, जिस मीडियम की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लाइट की स्पीड उसमें उतनी ही कम होगी। तो लाइट की स्पीड कम होने की वजह से वो लाइट बेंड हो जाती है, वेवलेंथ वगैरह जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे काफी सारी चीजें इसमें है। तो यहां पर हम जनरल आइडिया रिफ्रैक्शन का आपको बता रहे हैं। तो फाइनली कंक्लूजन निकाल रहते हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट बेंड हो जाती है, उसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जो लाइट की रे आ रही थी वो इंसिडेंट रे कहलाएगी, जो लाइट की रे बेंड होकर दूसरे मीडियम में जा रही है वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। और नॉर्मल, आपने ऐसे नॉर्मल डाली, नॉर्मल इंटरफेस से 90 डिग्री पर होता है, आप जानते ही हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, याद रखिएगा, सरफेस से, और अगर आप इंसिडेंट रे के बीच का एंगल लेंगे तो उसको ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड रे से नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल आर। एंगल जो हमारा लॉ था रिफ्लेक्शन का बच्चों, वहां पर आपको याद होगा रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर बराबर होते थे, लेकिन रिफ्रैक्शन की खासियत यह है ये बराबर नहीं होते हैं। यहां पे एंगल आई बड़ा है, लेकिन आप ये मत समझिएगा हमेशा बड़ा है, क्योंकि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, अगर वाटर से एयर में जाए तो एंगल आर छोटा हो जाएगा, सॉरी एंगल आई छोटा हो जाएगा और एंगल आर बड़ा हो जाएगा। वो सब मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। फिलहाल यहां पर एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होता, एक ही केस में होता है जब लाइट जीरो डिग्री पे आती है, तो एंगल आई भी जीरो होता है और एंगल आर भी जीरो होता है, यानी कि जब कोई लाइट परपेंडिकुलरली आती है इंटरफेस के, इंटरफेस के परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो होता है बिकॉज नॉर्मल पे आ रही हो, और नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो डिग्री हो जाएगा बिकॉज यही इंसिडेंट रे आ रही है और यही नॉर्मल है। तो यहां पे एंगल आई बहुत सारे बच्चे 90 डिग्री समझ लेते हैं, 90 डिग्री वो सरफेस से बना रही है, ग्लेंसिंग एंगल 90 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल, ये मैंने शायद आपको रिफ्लेक्शन में भी समझाया था, इंसिडेंट एंगल जीरो डिग्री है और जब जीरो डिग्री पे लाइन आती है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है रिफ्रैक्शन, ये सब किताबों में आपको बातें नहीं मिलेंगी। यानी कि एंगल, अगर आपसे पूछे एंगल आई एंगल आर बराबर हो सकते हैं क्या रिफ्रैक्शन में, तो मैं तो कहूंगा यस हो सकते हैं। कब? एक केस में हो सकते हैं, जब एंगल आई की वैल्यू जीरो हो जाए, वो लाइट की रे बिल्कुल 90 डिग्री पे आए इंटरफेस के, तब हो सकते हैं। तो अब बात समझ रहे हैं, पढ़ने का तरीका यहां पे बस यही डिफरेंट होगा, थोड़ा हम थोड़ा सा हायर लेवल पे बात करेंगे आपसे। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे चलते हैं, दो वर्ड इसमें बार बार आएंगे बच्चों, इस बात को आपको जानना पड़ेगा, दो वर्ड बार बार आएंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो रेयर जो वर्ड आया, रेयर का मतलब है रेयर, रेयर का मतलब बहुत कम, अनकॉमन, जो कॉमन ना हो। तो मान लीजिए कि इसमें गैस है, गैस के पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं आप जानते हैं, और इसमें कोई सॉलिड भरा हुआ है, तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होंगे, तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं जिसके पार्टिकल पास पास है, यानी उसके पार्टिकल डेंसली पैक्ड है ना पास पास, तो ये डेंसर हो गया और इसके कंपेयर में ये रेयर हो गया। आप किसी को टैग नहीं देना कभी भी कि भैया वाटर रेयर है, ये वाटर डेंसर है, कभी टैग मत देना। मैं आपको एक लाइन लिख के दे रहा हूं, जैसे अभी हमारे पास है एयर और वाटर, तो एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो एयर हो गया रेयर मीडियम और वाटर हो गया डेंसर मीडियम। ध्यान से सुनिएगा, वाटर डेंसर है, एयर रेयर है, लेकिन अब वाटर के साथ मैं ले रहा हूं किसको, गिलास को, शीशा। अब गिलास बच्चों, गिलास ज्यादा डेंस होता है, तो गिलास हो गया आपका डेंसर और वाटर हो गया आपका रेयर। देख रहे हैं आप, एयर और वाटर के पेयर में वाटर डेंसर था और वाटर और गिलास के पेयर में वाटर रेयर हो गया, यानी कि आप किसी को बोल नहीं सकते कि भैया वाटर जो है वो रेयर मीडियम है या वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है, आप टैग नहीं देख सकते। यानी कि रेयर और डेंसर डिपेंड करेगा कि उनके साथ में कौन सा मीडियम लिया जा रहा है। अगर उसके साथ में ऐसा मीडियम लिया जा रहा है जिससे उसकी डेंसिटी कम है, तो कम डेंसिटी वाला हो जाएगा रेयर, ज्यादा डेंसिटी वाला हो जाएगा डेंसर। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एक रिलेटिव टर्म है, वो अपनी बात को चेंज करता रहता है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द गिवन टू मीडियम, आपने कौन से दो मीडियम लिए हैं, एयर वाटर लिया है, वाटर गिलास लिया है। तो बात समझ में आ गई,
अब रेयर एयर तो देख लेते पहले, रेयर एयर है क्या? तो वो मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी तेज चलेगी। अब बोले सर रेयर एयर तो आपने बताया था जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉरी जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसमें पार्टिकल दूर दूर होंगे। गलती से यहाँ पे दोनों जगह रेयर एयर लिख गया है, ये रेयर एयर हटा के यहाँ पे डेंसर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, वो ऑप्टिकली रेयर एयर, ये डेंसर। तो मैं रेयर एयर में बता देता हूं, सपोज कर लो ये कुछ हर्डल्स हैं और मैं इसको आपको दौड़ा रहा हूं, इसमें आपको भागना है, रेस हो रही है और ये बीच में हर्डल्स है और आपको इसमें से होके भागना है। और एक दूसरा ट्रैक है उसमें हर्डल्स पास पास हैं, ये कुछ पार्टिकल है या कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और इसमें आपको भाग के जाना है। तो किसमें आप तेज भाग पाएंगे? तो आप कहोगे सर हम इसमें तेज भाग पाएंगे क्योंकि इसमें पार्टिकल दूर दूर है या हर्डल दूर दूर है। इसमें सर हम बहुत स्लो भागेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा हर्डल है और पार्टिकल पास पास है। तो मैं यही तो बता रहा हूं, यानी कि जो मीडियम रेयर एयर होगा, पार्टिकल दूर दूर होंगे, रेयर एयर होगा, रेयर एयर में वेलोसिटी हाई आएगी, लाइट की वेलोसिटी हाई होगी, और डेंसर में लाइट की वेलोसिटी लो होगी, कम होगी, स्मॉल होगी, कुछ भी बोल लो। आइडिया समझो यहां से। तो दो मीडियम है, हम डेंसिटी को छोड़कर ऐसे भी बोल सकते हैं, दो गिवन मीडियम है, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो रेयर एयर है, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर है। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मोर देन मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर एयर मीडियम। तो एयर और वैक्यूम में सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है, कितनी होती है वो मैंने आगे एक स्लाइड बनाई है, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूं, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड वैक्यूम में और एयर में, इससे ज्यादा किसी में नहीं होती है। इसलिए इनको रेयर एयर का टैग हम दे सकते हैं क्योंकि जो भी मीडियम लोगे वो इनसे नीचे ही आएगा। ठीक हो गई बात। अब एक बात और बताते चलें, यानी कि जब लाइट रेयर एयर से डेंसर में जाएगी, पहले डेंसर भी समझ लो उसके बाद ये मैं ब्लैक वाला पढ़ाऊंगा, दूसरे मीडियम के कंपेयर में जब दिए हुए मीडियम में लाइट की स्पीड कम आए, मान लो ये मीडियम M1 था, ये मीडियम M2 था, तो M2 में जो वेलोसिटी है लाइट की वो छोटी है M1 से, M1 आपका रेयर एयर हो गया और M2 आपका डेंसर हो गया, R फॉर रेयर एयर, ये D फॉर डेंसर। बात समझ में आ गई? तो जैसे गिलास जो है वो ज्यादा डेंसर है एयर के कंपेयर में, तो एयर और गिलास लिए हुए हैं, तो गिलास हो गया हमारा डेंसर और एयर हो गई हमारी रेयर एयर। तो आगे जाके हमें ये पता चला, जब लाइट, ध्यान देना मेरी इस बात पर, जब लाइट रेयर एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर एयर से डेंसर में जाती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि देखो ये कैसी आ रही थी, सीधी आ रही थी, इसको सीधे जाना था ऐसे करके, इसकी ये असली डायरेक्शन हो गई। अब इससे हमारी दो डायरेक्शन है, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, तो ये किधर की तरफ मुड़ेगी, नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को छोटा कर लेगी इंसिडेंस से। समझ आई बात? तो जब भी लाइट रेयर एयर से डेंसर में जाती है, तो इतनी बात को आपको नोट करना, यही ब्लैक वाला पॉइंट जो मैंने नोट में लिखा हुआ, इसी के नोट्स बना लो। When light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. इतनी बात लिख लो, याद कर लो, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है किधर बैंड होती है, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो किधर बैंड होती है। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, तो याद रखो। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसकी लाइट की स्पीड ज्यादा से कम हो गई, भाई रेयर में ज्यादा थी स्पीड, जैसे डेंसर में गई तो कम हो गई, इस वजह से वो बैंड हो जाती है। बैंडिंग की वजह अगर आपसे पूछी जाए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम बेंड क्यों होती है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन अभी आप इतनी बात याद रखिए, स्पीड चेंज होने की वजह से वो बेंड हो रही है। स्पीड अगर बढ़ेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, वो स्पीड कम होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, एंगल को छोटा करेगी। तो हम जानते हैं जब भी रेयर एयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, रेयर एयर में ज्यादा होगी डेंसर में कम होगी, इसलिए इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इस केस में एंगल आई होता है बड़ा और एंगल आर होता है छोटा, क्योंकि वो छोटी हो गई। इस तरीके से सवाल आ सकता है कि भैया जब लाइट रेयर एयर से डेंसर में जा रही है तो एंगल आई और एंगल आर का क्या रिलेशन है? एंगल आई बराबर एंगल आर है, ये आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम पढ़ाया गया होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी पढ़ाया गया होगा, नो डाउट, लेकिन उनको एंगल्स और ये भी बताया गया होगा
बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं एंगल का रिलेशन किसी बुक ने नहीं छापा है आज तक, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी बना सकते थे। तीन चार ऑप्शन दिए होंगे, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, दोनों इक्वल का हो गया और एक नॉन हो गया, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो रिफ्रेक्शन एंगल छोटा हो जाएगा, इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा। तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, नोट्स में लिख लेना छाप के। और अगर हम डेंसर से रेयर में जाएं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसी को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस केस में एंगल आई छोटा होता है और एंगल आर बड़ा होता है। देखिए ये वाला डायग्राम, ये लाइट की रे आ रही थी गिलास से एयर में आ रही है, तो गिलास हो गया डेंसर, एयर हो गया रेयर, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसकी रियल डायरेक्शन ये वाली थी, वैसे ऐसे आनी चाहिए थी, और टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती तो इधर बेंड हो जाती, लेकिन वो कहां गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एंगल आर पूरा ये वाला हो गया, और ये एंगल आर साफ दिखाई दे रहा है एंगल आई से बड़ा है, तो इन दिस केस एंगल आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आई। कब, जब लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाएगी तब एंगल आर बड़ा होगा। तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है अगर आप सच में पढ़ना चाहेंगे, वरना तो किताब से छोटी छोटी बातें पढ़ लीजिए, मेरे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको मेंटोर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो चीजें आपको दिखाता है एक सही अच्छा मेंटोर, जो एक नॉर्मल बच्चा खुद से नहीं देख सकता। अब मैं तो आप जानते ही मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मैथमेटिकली मैं तो अगर सवाल बनाऊं, मैं तो एक ऐसा सवाल बना दूंगा कि आप कितना ही पढ़ लीजिए फिर भी हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए इसमें। मैं बोलूंगा एक लाइट है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइट है, वो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, ध्यान दीजिएगा, डेंसर से रेयर में। अपने मन में सभी सवाल इसका आंसर सोचेंगे, आप अपने मन में आंसर सोचिएगा फिर मुझे दीजिएगा। मैथ से मैं इसमें सवाल बनाना चाह रहा हूं, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो एंगल आई अपॉन एंगल आर का जो रेशियो होगा वो 1 से बड़ा होगा, एंगल आई और एंगल आर का रेशियो जो होगा वो 1 से छोटा होगा, एंगल आई और एंगल आर का जो रेशियो होगा वो एंगल 1 के बराबर होगा, या हम इसको निकाल ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये मैं चार ऑप्शन, मैं पेपर अगर सेट करने को मुझे मिल जाए ना, मैं ऐसे ऐसे सवाल डाल दूंगा उसमें, पूरी मैथमेटिक्स एंटर करा दूंगा उसमें। और ये आप फिजिक्स का बच्चा करेगा आराम से, जो फिजिक्स पढ़ रहा है उसको करना ही चाहिए, क्यों नहीं करेगा भाई, नहीं कर पाएगा क्या ये सवाल? तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा एंगल आई बड़ा है क्या एंगल आर। तो डेंसर से बच्चों कहां जा रही है, रेयर में, तो हमारी इस वाली बात को ध्यान दिया होगा आपने कि सर जब डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल आर जो होता है सर वो बड़ा होता है और एंगल आई छोटा होता है, और सर जो आपने एंगल आई है वो न्यूमरेटर में रखा है और सर जो एंगल आर है वो आपने डिनोमिनेटर में रखा होगा। तो बड़ा वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में, छोटी वाली वैल्यू है न्यूमरेटर में। जब न्यूमरेटर बड़ा हो और सॉरी जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर हो छोटा, तो एंगल आर बड़ा होगा ना डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डिवाइड में बड़ा नंबर है और न्यूमरेटर में जो है वो छोटा नंबर है, तो आंसर 1 से छोटा नहीं आता है। अरे भैया 4/5 का आंसर निकालना 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर एंगल आई और एंगल आर बराबर होते, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते तो आंसर 1 के बराबर आता, और अगर एंगल आई बड़ा होता तो आंसर 1 से ग्रेटर आता। ये कब होता काम, एंगल आई अपॉन एंगल आर का रेशियो 1 से बड़ा कब आएगा, 1 से बड़ा तब आएगा जब वो रेयर से डेंसर में जाएगी, लेकिन जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल आई और एंगल आर का रेशियो 1 से छोटा होगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चा कोई भी कितना बोलते रहे कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, हमें तो पढ़ाया नहीं गया था, अरे पढ़ाया गया था, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया भाई। कोई टीचर जितना पढ़ाता है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी, कोई इस लेवल पे पढ़ा दे एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए, कोशिश हमारी तो यही रहती है कि मैं हर वो बात बता दूं या मैं हर वो क्वेश्चन खुद से बना लूं जो सवाल आपको मिल जाए। बट मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका यूज करके वो सवाल जरूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट सवाल मिल जाएगा, फिर भी मेरी 90% कोशिश यही है कि मैं वो सवाल भी करा दूं आपको एग्जैक्टली कि जो सवाल आपको मोस्टली देखे हुए मिले, करे हुए मिले, कि ये सवाल हमारे क्लास में सॉल्व कराया गया। बट अगर क्वेश्चन नहीं कराया गया तो वो कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाया गया होगा जिसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर एफर्ट लगाकर और उस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इस सवाल में क्या है बताइए, एंगल आई और एंगल आर पता लगा लीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर उसके हिसाब से रेशियो बना लीजिए। सिंपल मैथमेटिक्स है, किस बच्चे को नहीं आएगा? लेकिन जिसने नहीं करा होगा उसमें से 10 बच्चे कर लेंगे, 90 नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 बच्चों ने अपना दिमाग लगाया, बाकी 90 ने नहीं लगाया। तो अब मैं समझता हूं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंगल आई एंगल आर कब बड़ा कब छोटा, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। मैंने नोट पॉइंट डाल रखे हैं, और आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा बात और लिख लेना, मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं ये रेशियो वाली बात, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूं, किसी भी तरीके का सवाल आए वो आप कर लें।
तो यहां पर एंगल आई और एंगल आर का रेशियो जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, और यहां पे नोट कर लेना एंगल आई और एंगल आर का रेशियो जो होगा वो 1 से छोटा होगा। रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर का रेशियो जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब ऐसे पढ़ाए तो कोई, रेशियो में कन्वर्ट कराए तो कोई, पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाने वाला मैं हूं। तो चलते हैं आगे। स्पीड ऑफ लाइट बेटा आप याद कर लीजिए, कुछ आपको वैसे 3 स्पीड याद होनी चाहिए। वैक्यूम में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, एयर में भी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वॉटर और गिलास में कौन डेंस है? गिलास ज्यादा डेंस है इसलिए गिलास में और कम हो गई। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर वॉटर में 2.25×10⁸ तो सभी में रहेगा, ठीक है, एयर का तो सभी ने याद कर लिया कि 3×10⁸ एयर में है। अब 2.25 में और 2 में कंफ्यूजन है बच्चों को आज भी, इवन मुझे भी हो जाती थी कभी कि 2.25 एयर वाला, सॉरी 2.25 गिलास वाला था कि वॉटर वाला था। तो आप देख लो दोनों में ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सर डेंसिटी यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूल तो पास पास या ज्यादा एटम तो पास पास गिलास के होंगे बिकॉज वो सॉलिड है। तो भैया जब वो ज्यादा डेंस है तो उसमें स्पीड कम होगी, तो कम वाला यानी कि 2 वाला हो गया आपका गिलास का, और 2.25 यानी कि वाटर की डेंसिटी कम है तो उसमें स्पीड हो जाएगी तेज। अभी मैं आपको दौड़ा रहा था ऐसे करके, और एक ऐसे करके दौड़ा रहा था जिसमें दूर दूर पार्टिकल थे, तो वो दूर दूर पार्टिकल में जल्दी भागेगी लाइट और जल्दी भागेगी तो स्पीड आएगी 2.25 यानी कि मोर देन गिलास। तो ये है फिजिक्स जनरल। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपके पास आईक्यू लेवल है, क्वेश्चन उड़ा डालोगे आप, क्वेश्चन उड़ जाएगा, मैं तो ये बोलता हूं क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है? एक लॉ तो रिफ्लेक्शन की तरह है। अच्छा एक केस चलिए, अब स्लाइड मैंने बनाई थी कुछ सोच के ही बनाई होगी। कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, इस पे मैंने एक बहुत बढ़िया सवाल बनाया, बहुत बढ़िया, सुन के मजा आ जाएगा आपको। कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन याद रखिएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बराबर हो? 0। इस एंगल पे कोई बात ही नहीं करता, मैं तो मैथमेटिकली बात करता हूं सारी। यानी कि व्हेन अ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस, सरफेस पे नॉर्मली यानी कि सरफेस से 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम एंगल आई की बात करें तो नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंस रे भी यही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री। और जब दो लाइनें अपोजिट डायरेक्शन में हो तब एंगल 180 डिग्री होता है, वो उधर जा रही है वो इधर जा रही है तो एंगल 180 डिग्री हो गया। और जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो हमेशा याद रखिए एंगल 0 डिग्री होता है। ये भी मैथ की बात है, समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। दो कोइंसिडेंट लाइन है, सेम लाइन में जा रही है 0 डिग्री एंगल, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 180 डिग्री एंगल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 हो जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट की रे वो बैंड नहीं आता, उसमें कोई भी बैंड नहीं आता और वो सीधी चली आती है, यानी कि इस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो आपसे कहा जाए केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, तो लाइट की रे कैसे फॉल हो रही है? तो सरफेस पे 90 डिग्री पे फॉल हो रही है और एंगल आई की वैल्यू देखी जाए तो वहां पर 0 डिग्री है। तो एंगल आर कितना होगा? इस केस में एंगल आर भी 0 डिग्री है, देख लो। यानी कि यही एक कंडीशन है जहां पर एंगल आई बराबर एंगल आर होता है रिफ्रैक्शन में, वरना कोई से भी रिफ्रैक्शन में एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होंगे, या तो आर बड़ा होगा या आई बड़ा होगा। तो मैं तो ये कह सकता हूं इट इज द कंडीशन वेयर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल। अगर मैं पेपर बनाऊं तो समझ लीजिए बड़ा खतरनाक बनाऊंगा। मैं तो ये सवाल दे दूंगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन वेयर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल। रिफ्रैक्शन की कौन सी कंडीशन है जहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक तो था सेम प्लेन वाला, आई होप आपको याद होगा मैं क्या बोल रहा हूं, और एक था एंगल आई बराबर एंगल आर वाला। तो इस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब नो रिफ्रैक्शन, लेकिन एंगल आई एंगल आर दोनों 0 के बराबर है, तो यहां पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। और केस क्या है? रिफ्रैक्शन का है। लिंक कर पा रहे हैं ना बात को? तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, याद रहेगी आई होप आपको। आगे चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बड़ी मुश्किल से ये डायग्राम मैंने ढूंढा है, सेम प्लेन वाली बात ना बच्चे ये समझे, सेम प्लेन बोले एक ही साइड हो गया सर, सेम प्लेन हो गया। प्लेन का मतलब मैंने आपको बताया था एक प्लेन ऑफ पेपर, 1-2 डिग्री आगे नहीं, मैं 3 पेन आपको दिखाता हूं, मैंने आपको समझाई भी दी बात इसके लिए इस तरीके से। तो अगर मैं इनको ऐसा करके देख रहा हूं तो एक ही लाइन में दिखाई देने चाहिए, ऐसा नहीं हो ये 1 डिग्री आगे हो गया ये पीछे हो गया, ऐसा नहीं, ये एक प्लेन में नहीं है। एक प्लेन का मतलब अगर हम इनको बीच में से कट करें तो तीनों पेन बीच में से कट जाएं, एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही प्लेन ऑफ पेपर में हो, उसका मतलब होता है प्लेन। तो ये लॉ जो था ये हमारा रिफ्लेक्शन में भी था और रिफ्रैक्शन में इधर था, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे होती थी रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे होगी रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी प्लेन में लाइट आई,
इसी प्लेन ऑफ पेपर पे नॉर्मल बनी हुई है और इसी प्लेन ऑफ पेपर पे रिफ्रेक्शन लाइट चली गई, कोई लाइट ऐसे नहीं होगी, अंदर को टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी नहीं होगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो एक प्लेन ऑफ पेपर दिख रहा है आपको, ये पूरा प्लेन पेपर मैंने डाल रखा है इसके बीच में, इसी पेपर पे वो तीनों लाइनें आ रही हैं। कौन कौन सी तीनों लाइनें आ रही हैं? इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्रेक्टेड रे आ रही है और नॉर्मल रे आ रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बोलिए भाई क्या बोलते हैं? हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग वो है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो सभी को याद है, बिल्कुल ही हलवा लॉ है भैया, हलवा उठाया और खा लिया। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट लॉ है वो लॉ है सेकंड, उसमें करना पड़ेगी पढ़ाई। सेकंड लॉ को वैसे तो हम लोग सेकंड लॉ बोलते हैं, लेकिन इसका भैया बड़ा फेमस सा नाम है, इसी नाम से याद रखा जाएगा इसको, स्नेल्स लॉ, क्योंकि इसको एक फिजिसिस्ट ने दिया था जिसका नाम था स्नेल्स। हलवा नहीं है इसको समझना, तो समझना हलवा नहीं है तो कुछ एग्जांपल लिए जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा। आप डेफिनेशन पढ़ देता हूं मैं, आप देखो समझ में आ रहा है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, साइन क्या होता भैया? ट्रिग्नोमेट्री में होता है ये साइन, साइन थीटा पढ़ा है, हाँ वही साइन थीटा है, यहां भी वही साइन थीटा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब देखो इसमें मैथ्स घुस गई, साइन थीटा आ गया इसमें, कैसे करेंगे सर? पहले सुन लो, मैं लॉ पढ़ाना ही नहीं है मुझे, मैं तो आपको ऐसे ही एग्जांपल देने वाला हूं, बिल्कुल 100% समझ पा रहे। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक ये साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन और टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट है। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दो मीडियम गिवेन है आपको, क्या गिवेन है? दो मीडियम, ये मान लो मीडियम वन हो गया, मीडियम टू हो गया, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसके साथ साइन लगा दो, साइन है। मैं समझा नहीं रहा, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, अपना वाला नहीं समझा रहा हूँ अभी। और इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवेन है उसमें आर लगा दो, तो ये साइन आई और साइन आर का रेशियो होगा, रेशियो मतलब डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कॉन्स्टेंट आएगा हमेशा। किसके लिए कॉन्स्टेंट आएगा? अभी मैंने क्या लिया हुआ? एयर और गिलास, एयर और गिलास का आंसर हमेशा सेम आएगा। बोले सर समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, अब समझाता हूं आगे। मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, सबसे पहली लाइन मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसको अगर आपने आज समझ डाला तो लाइफ जिंगल आला, ऐसे समझ लो। अच्छे अच्छे बच्चे को ये स्नेल्स लॉ समझ नहीं आता है, तो पहले इसको समझ लो आज। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया क्या है सर? मीडिया आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, नहीं भैया वो मीडिया नहीं है, ये मीडिया है बच्चों, मीडियम का प्लूरल, एक होता है मीडियम, तो जहां पे दो आ जाते हैं वहां हम बोलते हैं मीडिया, याद रखें ठीक है। वाली मीडिया नहीं है ये जो टीवी पे भौंकती रहती है, ये वो मीडिया नहीं है, समझ गए बात? हाँ जी। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया यानी कि मीडिया को फिक्स कर दो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लाइट को एयर से लाएंगे और गिलास में एंटर कराएंगे। चलो वाटर में करा लो यार, वाटर में करा लो, सही है, ये गिलास में करा लो, किसी में करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गई बात? हाँ जी सर ठीक हो गई, समझ में आ रही है बिल्कुल बात आपकी, समझ में आ रही। और यहाँ पे हम लाइट की रे डालेंगे, आप कोई वो ले लीजिए लेजर टॉर्च, लेजर आपके, लेजर से आप क्या होता है आपके हाथ में होगा आप कितना एंगल ले रहे हैं, तो मैंने अभी इतना एंगल लिया, जो भी ये भी जो भी एंगल आया होगा मैं इसको आई मान ले रहा हूं। तो भाई कहां जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है, किधर की तरफ बेंड होगी? अभी पीछे पड़ के आए हो सर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये एंगल आर हो गया, साइन के साथ मान लो आई की वैल्यू कुछ तो आई होगी 40 डिग्री, चलो 40 डिग्री, मैं एग्जैक्टली मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन उससे छोटा आया होगा तो 40 के लिए कितना आएगा, कोई फिक्स वैल्यू होगी ना, आपने साइन 40 लिया है मतलब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 40 ली है तो रिफ्रैक्शन कम होगा, लेकिन कितना कम होगा आई डोंट नो, वो तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो ही पता चलेगा। तो मैं इमेजिनरी कोई वैल्यू छोटी ले ले रहा हूं उससे 35 डिग्री सपोज कर लीजिएगा, वरना तो मैं साइन आई अपॉन साइन आर ही लिखता। अब उन्होंने क्या कहा? कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट का क्या मतलब हुआ भाई? स्नेल्स ने कहा आप 2-3 एक्सपेरिमेंट करो कम से कम, अब आप वैल्यू ले लो 45 डिग्री सपोज कर लो, उसके लिए वैल्यू और कम हो गई, नहीं 45 के लिए थोड़ी बढ़ गई, मान लो 40 डिग्री हो गई, तो अब आप कर दो साइन 45, साइन के साथ रेशियो लेना इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन का, और नीचे कर दो साइन 40। मीडियम वही है बार बार, एयर से वाटर में, एक यहां पे बना दो डायग्राम, अब कर दो 60 के लिए मान लो कुछ भी आएगा 50 आ गया,
अब कर दो साइन 60, साइन 60 की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, मैथ में पढ़ी है साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की आपको याद नहीं, कैलकुलेटर से निकल आएगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर सब सॉल्व कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 55 की वैल्यू होती है, साइन 1.22 की वैल्यू होती है, सबकी वैल्यू होती है, तो ये हो गया साइन 50। तो उन्होंने ये कहा था स्नेल्स ने, अब ये मैंने चार आंसर निकाले या तीन निकाले, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो उन्होंने कहा आप कुछ भी कर लो, अगर आपने मीडियम ले लिया है, पेयर मीडिया का पेयर ले लिया और उसके साइन का आप इंसिडेंस एंगल ले रहे हैं और साइन का ही आप रिफ्रेक्शन एंगल ले रहे हैं, यानी कि जो भी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आया उसकी वैल्यू साइन पे निकाल रहे हैं, साइन पे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया उसकी वैल्यू भी साइन पे निकाल रहे हैं, फिर इन दोनों का आप रेशियो निकाल रहे हैं, तो आप चौंक जाएंगे जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो यहां भी आंसर के आएगा, यहां भी आंसर के आएगा, के से मतलब सेम आएगा, तो यहां भी आंसर के आएगा और उसी के को उन्होंने क्या बोला कॉन्स्टेंट आएगा, यानी कि अगर आपने मीडियम फिक्स कर दिए तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का रेशियो चेंज ही नहीं होगा, चाहे आप एंगल चेंज करते रहो, जब आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और जब आंसर निकालोगे तो उसी हिसाब से आंसर वही आएगा, सेम बार बार सेम बार बार सेम बार बार सेम बार बार सेम। फील हुआ, कुछ समझ आया कि नहीं आया ये बताइए, हाँ मतलब मन मन में बताओ, सर कुछ तो समझ में आ रहा है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम एंगल आई की वैल्यू चेंज करते रहे तो अपने आप एंगल आर भी चेंज होगा थोड़ा बहुत, अगर हम मीडियम को फिक्स कर दें, एयर से वाटर कर दो या एयर से ग्लास कर दो, मीडियम सेम कर दो, तो जो आपने मीडियम लिए हैं उनके लिए आंसर हर बार सेम आएगा। यस बिल्कुल सही, ऐसा ही मेरा मतलब है, और उसी को उन्होंने कांस्टेंट बोला और इसी कांस्टेंट को हम बाद में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अब इस बात का पूरा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चाहे वो रेडर से डेंसर जाए, डेंसर से रेडर जाए, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताती है, तो उन्होंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आप साइन के साथ निकालो, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन की वैल्यू भी आप साइन के साथ निकालो और आप उन दोनों को डिवाइड करो और फिर आप आई की वैल्यू चेंज करते रहो, आई की वैल्यू चेंज होगी तो आर की वैल्यू चेंज होगी, मीडियम सेम होना चाहिए, तो आप जितने भी आंसर निकालो, 50 आंसर निकालो तो 50 रेशियो जो बनेंगे साइन आई और साइन आर के, वो 50 के 50 आंसर सेम होंगे, यानी कि कांस्टेंट होंगे। अब पढ़ी पल्ले ये बताइए, अब समझ में आई कि नहीं आई, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छे अच्छे बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ पाती है, भेजे में नहीं घुस पाती है कि भैया स्नेल्स लॉ है क्या चीज, पढ़ो अब डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम सेम होना चाहिए, इसी लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन सर अब दिक्कत आई, अच्छा और इसी को नीचे भी लिखा हुआ हमने, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ठीक है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का होगा, सर ये मीडियम वन का होगा कि मीडियम टू का होगा, तो याद रखो जिस मीडियम के अंदर लाइट घुस रही है, किसके अंदर घुस रही है, डेंसर वाले में जा रही है, मतलब रेरर से भी आ सकती थी कोई दिक्कत, रेरर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेरर में भी जा सकती थी, मतलब जिधर एंगल आर होगा ऐसे समझो, एंगल आर अभी किस में है, एंगल आर सर अभी वाटर में है मान लो, और ऊपर से कहां से आ रही है, एयर से, तो ये बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एन से डिनोट करते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो जिसका है उसको राइट साइड में लिख दो, जिसके रिस्पेक्ट में है उसको इधर लिख दो, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका आंसर जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, फिक्स वैल्यू होगी 1.25 जो भी आएगा, अभी आंसर आपको हम निकाल के दिखाएंगे। तो इस कॉन्स्टेंट को बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, मीडियम टू का, मीडियम वन के रिस्पेक्ट, सर मीडियम टू क्या है, जिसके अंदर लाइट घुस रही है, मीडियम वन क्या है, जहां से लाइट आ रही है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, चलिए कोशिश तो मैंने पूरी करी है आपको समझाने अच्छे लेवल पर, अब सुनिए आगे, तो भैया दिक्कत, सर ये बी वन बी टू क्या लिखा हुआ है, सर हमें कोई समझ नहीं आ रहा है, आपने बी वन बी टू क्यों लिखा है, ये साइन आई साइन आर की वैल्यू क्या है, देखो एन टू वन, पहले एन टू वन देख लो, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ऐसे भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर के लिए डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर, इनकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। मगर सर दिक्कत ये आई कि साइन आई और साइन आर की वैल्यू हर एंगल पे तो निकालोगे नहीं, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको मालूम है साइन 30 पे निकाल लेते हैं, साइन 60 पे निकाल लेते हैं, साइन 90 पे निकाल लेते हैं, सपोज कर लो एंगल आ गया 52.5 इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल आ गया 49.5, तो सर कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर हर समय अवेलेबल नहीं होगा, तो उसी को आगे प्रोड्यूस किया गया, उन्होंने कहा आंसर तब भी सेम आएगा अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे करके निकाल लें,
उनकी वेलोसिटी का भी रेशियो सेम होता है। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। जिसके अंदर लाइट घुस रही है उसकी वेलोसिटी नीचे रख दो, जिस जहां से लाइट आ रही है उसमें लाइट की क्या वेलोसिटी है उसको ऊपर रख दो, तो ये मीडियम टू का ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वन के रिस्पेक्ट। यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम वेलोसिटी के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर जगह साइन आई साइन आर नहीं गिवन होगा। जहां साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन गिवन है वहां एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, लेकिन जहां पे वेलोसिटी गिवन है वहां वेलोसिटी लगा दो। सर कौन सी वेलोसिटी ऊपर कौन सी वेलोसिटी नीचे, जिसमें लाइट एंटर कर रही है जहां पे आर बन रहा है उसको नीचे रखो और जहां से आई आ रहा है मतलब जहां से लाइट आ रही है उसको ऊपर रखो। सही है सर, कॉन्स्टेंट आएगा, बिल्कुल कॉन्स्टेंट आएगा। सर ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका कहलाएगा, फिर से बताया जिसमें लाइट घुस रही है यानी कि मीडियम टू का कहलाएगा वन के रिस्पेक्ट में, इसलिए टू वाली वेलोसिटी नीचे वन वाली वेलोसिटी ऊपर। सर करके दिखा दो जल्दी से, पुचुक पुचुक करके दिखा दो। देखो भैया डिंग 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 क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, जल्दी बोलो। अभी तो पढ़ाया था 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इस लेवल पे कोई बात नहीं करता है, एक एक मिनट में पढ़ा के खत्म कर देते हैं इसको, लेकिन ये टॉपिक बहुत मजेदार है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बोलो सर, 2×10⁸ मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है। तो हम निकालेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ग्लास में लाइट घुस रही है तो ग्लास वाली वेलोसिटी नीचे, एयर से आ रही है यानी कि एयर वाली वेलोसिटी ऊपर, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3/2 होता है 1.5। अरे इसका मतलब समझा दो, अगर क्वेश्चन आता था पहले सीबीएसई में द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 2, डिफाइन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये कन्वेंशनल पेपर जब बनता था तो स्टेटमेंट आता था कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है तो उससे आप क्या समझ गए भाई साहब, समझ में क्या आया, हम बताते हैं। या तो ऐसे कह दो 1.5 का उल्टा करो, वही क्या इतना हुआ, वही 3/2 का उल्टा कर दो 2/3 उल्टा करना, यानी कि गिलास में लाइट की स्पीड एयर के कंपेयर में 2/3 टाइम्स है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब जो भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका आ रहा है उसको रेसिप्रोकल कर दो तो वो उस मीडियम में लाइट की स्पीड हो जाएगी दूसरे वाले मीडियम के कंपेयर में, क्या समझे सर। गिलास में स्पीड कम हो रही है ना, कम हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कम आंसर कब आएगा, 3/2 पे कि 2/3 पे, 3/2 पे तो ज्यादा आ रहा है भाई 1.5। अगर ऐसे पढ़ोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि डेढ़ गुना स्पीड बढ़ गई, नहीं कम हो रही है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको उल्टा कर लें, पहले 3/2 को उल्टा कर लें 2/3 रेसिप्रोकल, यानी कि अब समझ में इसका आंसर वन से छोटा आएगा, बिल्कुल सही। यानी कि जब लाइट एयर से गिलास में जाती है तो उसकी स्पीड 2/3 टाइम हो जाती है, यानी कि 2/3 गुना, समझे, यानी कि 2/3 की वेलोसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर लो गिलास की वेलोसिटी आ जाएगी, ना मानो करके देख लो। तो बहुत सारी बातें यार मैथमेटिकली कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, सीधी बात रखो गिलास की एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास, एयर वाली हमें याद है 3×10⁸ और ये वाली भी हमें याद है 2×10⁸, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/2। हम ये कह सकते हैं कि गिलास के कंपेयर में एयर में जो वेलोसिटी है वो 3/2 टाइम, डेढ़ गुना ज्यादा है, किसमें, एयर में डेढ़ गुना ज्यादा है गिलास से, या तो ऐसे करके बोलो। और अगर गिलास को एयर के रिस्पेक्ट में बोलना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा 2/3, कि भाई गिलास में एयर के कंपेयर में 2/3 है यानी कि कम हो रही है, और 3/2 बोलोगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा गिलास के कंपेयर में एयर में वेलोसिटी जो है वो 3/2 है यानी कि बढ़ रही है, डेढ़ गुना ज्यादा है। अब आई बात समझ में, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको वेलोसिटी का कंपेयर करके बता देता है। सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी उतनी कम होगी, आप देख पा रहे हैं भाई वेलोसिटी कम है तो आंसर वन से बड़ा आ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो आंसर वन से छोटा आएगा। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है मैं आपको बताता चलूं, वो डायमंड का होता है 2.42। सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दुनिया में 2.42 डायमंड का है, यानी कि सबसे लाइट स्लो चलती है डायमंड के अंदर, इसलिए तो वो चमकता है क्योंकि लाइट उसमें रुक के जाती है, कुछ देर ठहरती है, धीरे जाती है, जब धीरे जाएगी तो ज्यादा दिखाई देगी। भाई एक कोई बाइक वाला है वो आपके सामने जू से निकल जाए एक सेकंड में पार हो जाएगा, अब कोई धीरे धीरे आ जाए तो वो ज्यादा देर तक दिखाई देगा। तो लाइट जब मैं उसमें जाती है डायमंड में तो बहुत स्लो हो जाती है, कितना स्लो सर 2.42 टाइम, यानी कि एयर में डायमंड के कंपेयर में 2.42 टाइम ज्यादा है, तो डायमंड में 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी भाई साहब, कम हो जाएगी, सही है बात, हां 2.42 टाइम्स बढ़ती नहीं है कम हो जाती है।
यानी कि ढाई गुना से भी ज्यादा कम हो गई, तो ज्यादा दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी, तो इसलिए तो डायमंड चमकता है। यानी और भी वजह है उसके चमकने की, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूं। डायमंड के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस की वजह एक उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। और आपको गिलास का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद ही हो गया होगा बच्चों, 1.5 अभी हमने निकाल के देखा है वेलोसिटी से। तो ये जो आपका आ रहा है, जो कांस्टेंट आ रहा है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। साइन आई साइन आर से भी निकाल सकते हैं और हम V1 V2 वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे? जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसी दूसरे मीडियम में, अगर वो एयर ना हो बस, यानी कि कहीं से भी लाइट आए दूसरे मीडियम में घुस जाए, बस वो एयर ना हो, क्योंकि एयर वाले को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे डायमंड का 2.42 है, ध्यान से सुन लो यार इस बात को, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इसका क्या मतलब हुआ और किसके रिस्पेक्ट में? सर आपने ये तो बताया नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा। किस मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा? जहां से लाइट आ रही है, यानी कि एयर से आ रही है तो एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास से आ रही है डायमंड में तो ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो जब कोई डायरेक्ट वैल्यू दे तो समझ जाना वो आपको वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। वैक्यूम और एयर मोस्टली लाइट कहां ट्रेवल कर रही है? सर वैक्यूम में और एयर में, इसलिए उसको एब्सोल्यूट बोला गया है। ज्यादातर हम कंपेयर किससे करेंगे? एयर से वैक्यूम से। एयर वैक्यूम में लगभग वेलोसिटी सेम ही होती है। हाँ जी, तो अब बात समझ में आई। अगर मैं बोलता हूं कि सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं? तो सर मैं एयर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। तो जब हम मानते हैं कि लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है, तो जो फॉर्मूला था V1/V2, उसमें ऊपर हो जाएगी लाइट की वेलोसिटी हमेशा, और लाइट की वेलोसिटी को सी से डिनोट करते हैं, इसलिए फॉर्मूला C/V हो गया बच्चों। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें लाइट घुस रही है। आई होप अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब बोला जाएगा जब उसको किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऊपर किसकी वेलोसिटी रखी है? वैक्यूम की। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब बोला जाएगा जब एयर से अलावा कोई और सा मीडियम ले लीजिए, ग्लास को वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर को ग्लास के रिस्पेक्ट में, बेंजीन को केरोसिन के रिस्पेक्ट में, कुछ भी कर लीजिए आप, डीजल पेट्रोल कुछ कर लो, तो वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो रही है बात? ये अब साइन आई, एक न्यूमेरिकल करा देते हैं साइन आई साइन आर वाला, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा वरना, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है? तो साइन आई साइन आर, ये मीडियम का निकालना है एयर के रिस्पेक्ट, कोई भी मीडियम है, इस मीडियम को एम मान लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम, एयर के रिस्पेक्ट में तो लिखने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट है। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ सर बात सही है। तो साइन आई की वैल्यू 30 डिग्री दे रहा है भैया, और रिफ्रैक्शन की वैल्यू 45, तो ये हो गया सर साइन 45। सही है बात? साइन 30 की वैल्यू सभी को याद है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 1/2। साइन 45 1/√2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। रूट 2 की वैल्यू सर मुझे याद है 1.414, मुझे याद है, याद कर लो इस बात को। इसका आंसर आया 0.707। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आ रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ, यानी कि इस मीडियम में ऐसा होता नहीं है वैसे, एयर से तेज किस में चलेगी लाइट, लेकिन एंगल ऐसे दे रखे तो आंसर निकालना पड़ा। ये एयर है, ये देखो ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री है, यानी कि ये रहा होगा डेंसर और ये रहा होगा रेयरर, क्योंकि रेयरर में ही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, तभी तो 45 हो गया, यानी कि एयर से भी ज्यादा स्पीड होगी इसमें, स्पीड बढ़ने पर ही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, और जब देखो स्पीड बढ़ी तो आंसर देखो 1 से छोटा आया। मैंने क्या बताया था, इधर देख लो यार, हो सकता है मेरे पिक्चर की वजह से दिखाई ना देता हो। जब मैंने रूट 2 को 2 से डिवाइड किया, रूट 2 की वैल्यू रखवाई थी 1.414, मैंने कहा था याद कर लो रूट 2 की वैल्यू और रूट 3 की वैल्यू, 10th में पढ़ रहे हो, 0.7407 आंसर आएगा, यानी के लाइट की स्पीड बढ़ रही है जब आंसर 1 से छोटा आता है उस मीडियम में। तो ये आ गया आंसर, बोलिए बात क्या दिक्कत है। तो साइन आई साइन आर से भी कर लोगे और V1 V2 से भी कर लोगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा अगले लेक्चर में। ये तो मैंने आपको आज जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, जरूर बताइएगा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इतना बहुत डिटेल में पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, जो भी आपकी किताब में न्यूमेरिकल दे रखे हैं एक दो न्यूमेरिकल भी कर लो, और इसके नोट्स बनाना मत भूलो, जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाए हैं और जैसे जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है उतना पढ़ लो, उतना ही सफिशियंट है। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।